नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव डॉट कॉम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा सीटों पर आखिर कौन सी पार्टी राज करेगी? एक एक कर हम तमाम, चाहे वो इंडिया टुडे का हो, चाहे वो एबीपी का हो, चाहे वो सी वोटर का हो, चाहे वो इंडिया न्यूज़ नेक्शा का हो या किसी भी एक्स न्यूज़ का हो या फिर टीवी 19 का हो, चाहे वो टाइम्स नाउ का हो, चाहे वो रिपब्लिक का हो, सभी एक एक करके एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल के आंकड़े जो है आपके सामने रखेंगे। हम पूरे एग्जिट पोलों पर चर्चा करेंगे भी, आखिर एग्जिट पोल जो है, सारे एग्जिट पोल आखिर क्या कह रहे हैं, और अंत में हम आपको पूरे एग्जिट पोल का सारांश यानी समीकरण या यूँ कहे भी एक अनुपात बनाएंगे, और उस अनुपात में हम आपको बताएंगे भी अगर तमाम एग्जिट पोलों को देखा जाए, अगर उनका एक निचोड़ निकाला जाए तो आखिर सत्ता में कौन बैठने वाला है। सारे एग्जिट पोल अपने पास रहेंगे, सारे एग्जिट पोलों को हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे भी अगर ये तमाम एग्जिट पोलों का एक अनुपात निकाला जाए, एक सारांश निकाला जाए, तो कितनी सीटें जो है किस पार्टी को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज तक की भी, आज तक यानी इंडिया टुडे ने क्या कुछ सर्वे किया। इंडिया टुडे के अनुसार आम आदमी पार्टी को, यानी आज तक के अनुसार आम आदमी पार्टी को 63 सीटें मिल सकती है, बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती है और कांग्रेस को 0। ये है आज तक का सर्वे। हम अंत में बताएंगे आपको, तमाम सर्वे बताने के बाद हम आपको अंत में बताएंगे भी इनका अगर सारों का सारांश निकाला जाए तो भी किसकी पार्टी की सरकार बनती है। वही बात करें रिपब्लिक टीवी की, तो रिपब्लिक की बात करें तो 54 जो सीटें हैं आम आदमी पार्टी को दिखा रही है रिपब्लिक, और 15 सीटें जो है वो बीजेपी को दिखा रही है, और एक सीटें यानी एक सीट मात्र जो है कांग्रेस के खाते में दिखा रही है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इस दूसरे सर्वे में भी आम आदमी पार्टी आसानी से सरकार बना रही है। अब तीसरी बात करें टाइम्स नाउ की, आखिर टाइम्स नाउ क्या कह रहा है। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर बात करें तो 47% जो है वो कहीं ना कहीं जो सर्वे है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 47 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को दिखा रही है टाइम्स नाउ, और इसके अलावा 23 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में दिखा रही है, और 0 सीट जो है कांग्रेस के खाते में। मतलब तीनों ही एग्जिट पोल में कांग्रेस को महज 0 और 0.1 की ही लगभग सीट दिखा रही है। मतलब तीनों में एक समानता है, पहली समानता यह है कि कांग्रेस बहुत हार रही है, बहुत बुरी तरह हार रही है। दूसरी समानता यह है कि तीनों ही जो हमने एग्जिट पोल बताए, तीनों में ही आम आदमी पार्टी की सरकार आसानी से बन रही है। अभी अगर बात करें न्यूज़ एक्स की सर्वे की, न्यूज़ एक्स की सर्वे की माने तो 55 जो सीटें हैं वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को मिल रही है, और जो 14 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा रही है, और एक सीट अगर हम बात करें तो एक सीट की, तो जो एक सीट है वो जो है कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसमें भी वही समानता है, कांग्रेस बुरी तरह हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब टीवी 9 की अगर सर्वे की बात करें तो टीवी 9 में 58 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में दिखा रही है, और 11 सीटें जो है बीजेपी के खाते में दिखा रही है, और जो एक सीट है जिसे हम कह सकते हैं अभी वो फिर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसमें भी वही समानता है, आम आदमी पार्टी की सरकार आसानी से बन रही है, कांग्रेस जो है बड़ी आसानी से हार भी रही है। वही बात करें अगले सर्वे की, तो अगर अगले एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो साफ तौर पे कहा जा सकता है अभी जिस प्रकार से सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी बन रही है, तो अगर अगले एग्जिट पोल एबीपी की बात अगर हम करें तो साफ तौर पे जो है आम आदमी पार्टी की जो है 58 सीटें जो है सामने आ रही है, और 10 सीटें जो है बीजेपी के फेवर में जा रही है, और दो सीटें जो है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा दे रही है। इसमें भी एक ही समानता है, आम आदमी पार्टी की सरकार आसानी से बन रही है और कांग्रेस जो है बुरी तरह से हार रही है। सबसे बड़ी समानता ये दो चीज़ें समान हैं। और अगर हम बात करें इन पोल्स ऑफ पोल यानी तमाम जो ये जितने भी एग्जिट पोल है अगर उनका एक सर्वे निकाला जाए और तमाम इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है पोल्स ऑफ पोल अगर निकाला जाए तो 56 जो सीटें हैं वो एक अनुपात में अगर निकाला जाए तो 56 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 13 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है, और जो एक सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। साफ तौर पे कहा जा सकता है जिस तरीके से ये अनुपात भी निकलता है 56-13 और 1, तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये सर्वे सामने आया है वो इतना तो स्पष्ट होता है भी आम आदमी पार्टी की सरकार आसानी से बन रही है। पोल्स ऑफ पोल भी यही कह रहा है, महा एग्जिट पोल भी यही कह रहा है, और अगर हम बात करें
तमाम एग्जिट पोल की, चाहे वो किसी भी एग्जिट पोल की बात करें, तमाम एग्जिट पोल जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, इससे इतना तो साफ होता है भी दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार आ रही है और केजरीवाल जो है एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। हालांकि ये 11 तारीख के परिणाम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एग्जिट पोल सर्वे ओपिनियन ये सब एक कहा जा सकता है भी एक अनुमान होता है, एक अंदेशा होता है, उस अंदेशे और अनुमान में लगभग इसी के आसपास में ही परिणाम आता है। एग्जिट पोल हमेशा लगभग स्टिक बैठते हैं, सर्वे स्टिक बैठते हैं, ओपिनियन पोल स्टिक बैठते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये रही कि 11 तारीख को जो एग्जिट पोल में सीटें दिखा रहे हैं उस सीटों से कितना ऊपर नीचे आती है और क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाती है, क्या बीजेपी जिस प्रकार से दावे कर रही है, हालांकि मनोज तिवारी ने जिस प्रकार से एक ट्वीट लिखा और उसके अलावा ANI को बाइट भी दी, उन्होंने कहा भी है मेरा वीडियो संभाल के रखना, मेरा ट्वीट संभाल के रखना, जब वोटों की गिनती शुरू होगी या जब परिणाम आएगा तो कहीं ना कहीं उलट आएगा, बीजेपी बड़े धूमधाम से चुनाव जीत रही है और बीजेपी जो है सरकार बनाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं मनोज तिवारी को और हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी अरविंद केजरीवाल को, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी, हम तीनों पार्टियों को शुभकामनाएं देते हैं। जिसकी भी सरकार बने अच्छी बात है, लेकिन जनता का काम होना चाहिए, विकास शिक्षा के नाम पर वोटिंग होनी चाहिए और शिक्षा और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। और लेकिन जिस प्रकार से अब की बार दिल्ली में शाहीन बाग मुद्दा और मुस्लिम ध्रुवीकरण का मुद्दा या उसके अलावा जिस प्रकार से आतंकवादी कहने का मुद्दा या यूँ कहे भी ऐसे ऐसे मुद्दे जो है दिल्ली में आए थे अब की बार विधानसभा चुनाव में, हर पार्टी ये चाह रही थी भी हर मुद्दे को भुनाया जाए। एक दिन पहले OSD को, पूर्व OSD को गिरफ्तार किया जाता है, गोपाल कृष्ण माधव को जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी CM जो है दिल्ली के, उन्हें रखा जाता है। उसके बाद जो साफ तौर पर कहा जा सकता है भी ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी कुछ इशारा कर रही है इस तरफ भी अपने जिस प्रकार से दिल्ली की जो सत्ता है वो उसमें एक बार जो है केजरीवाल सरकार एक बार फिर से आ रही है। और जो केजरीवाल जो है इन सारे मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो साफ तौर पे कहा जा सकता है भी केजरीवाल जो है एक बार फिर से दिल्ली के सत्ता में आ रहे हैं और तमाम जो मुद्दों को दरकिनार कर जनता ने जिस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ वोटिंग की है, ये वोटिंग जो हुई है वो अरविंद केजरीवाल के काम पर हुई है और अरविंद केजरीवाल ने जो वर्क किया है उस पर हुई है। साफ तौर पे कहा जा सकता है एक बार फिर से केजरीवाल सरकार जो है एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और सर्वे और महा एग्जिट पोल, पोल्स ऑफ पोल में सभी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के CM बन सकते हैं, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अब के लिए बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। नमस्कार।